नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह। आप हमारा पीछे जरूर देखिएगा, बड़ा गौर से देखिएगा। भाई है नल, देख रहे हैं, इसके ऊपर देखिए नीतीश कुमार जी का फोटो लगा है, एकदम बड़ा सा फोटो। ये नीतीश कुमार जी का देन है, नल जल योजना, यानी साफ सुथरा पानी आपको मिलेगा। हाँ, हम भी मान गए कि भैया ठीके काम किए हैं, घरे घर सबको पानी पहुँचवा रहे हैं। लेकिन देख लीजिए, एक तरफ इधरों तरफ देख लीजिएगा, ये है प्रखंड से अंचल कार्यालय। इसमें जानते हैं प्रखंड के सबसे बड़ा पदाधिकारी, जिनको BDO साहब कहा जाता है, वो बैठते हैं एकदम जस्ट सामने में। और उनके जस्ट सामने में इधर CO साहब बैठते हैं, उनके जस्ट सामने में ही ये देख लीजिए पानी का बर्बादी। ये पानी छोटा मोटा चीज़ नहीं है, हमको आपको बड़ा इजी से मिल जाता है ना, क्योंकि वाटर लेवल हम लोग का थोड़ा ऊंचा है, यानी कि 10 फीट पे पानी है। लेकिन इस पानी का महत्व तो हम आपको बताते हैं, इसका महत्व तो दिल्ली के लोगों से पूछिए, पंजाब के लोगों से पूछिए, उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछिए, राजस्थान के लोगों से पूछिए, मध्य प्रदेश के लोगों से पूछिए कि इस पानी का एक एक बूंद का कीमत क्या है, वो बताएंगे आपको। दिल्ली में तो ऐसा है कि 2 रुपया में एक गिलास पानी मिलता है साहब, और यहाँ देख लीजिए नीतीश जी के बोर्ड के नीचे नल जल योजना का पानी देखिए किस प्रकार से बहाया जा रहा है। इसका मतलब है कि नल जल योजना पूरा तरह से फेल्योर है। काहे कि अगर इसमें टोटी लग गया रहता ना, तो ये पनिया बंद हो गया रहता है, लेकिन इसको टोटियों नहीं लगाया जा रहा है। हम तो कहेंगे देखिए लकड़ी सब इसको बंद करेगा, हमको बर्दाश्त नहीं होगा, पानी का बर्बादी हमको कतई बर्दाश्त नहीं होगा, और इसके लिए जो कहना होगा हम कहेंगे, हम बंद करेंगे। हम देख लीजिए, हम इसको बंद करेंगे, क्योंकि ये पानी आने वाला भविष्य में इसी पानी के लिए युद्ध भी होगा, क्योंकि पानी का जो स्रोत है वो हमारा घटता जा रहा है। नल, तालाब, नदी सब सूखता जा रहा है। ये पानी कितना महत्वपूर्ण है वो आने वाला समय बताएगा। हमको नहीं बर्दाश्त हुआ, इसीलिए हम पानी बंद किए हैं। अब देख लीजिए, BDO साहब से भी हम पूछने का कोशिश करेंगे, शायद BDO साहब अभी नहीं है चैम्बर में, नहीं तो हम जरूर पूछते कि सर आपके आँखों ऑफिस के सामने में ऐसा पानी का वेस्टेज क्यों पानी को बर्बाद किया जा रहा है, और नीतीश बाबू के फोटो के नीचे क्यों बर्बादी। यही है सवाल। सवाल यह भी है कि आखिर जब अंचल कार्यालय के सामने इस तरीके का पानी बह रहा है, तो इसका मतलब है कि नल जल योजना फेल्योर है, क्योंकि दूर दराज के इलाके जो है, जो गांव है, वहां क्या स्थिति होगा जब प्रखंड मुख्यालय के सामने इसमें एक टूटी नहीं लगाया जा रहा है। तो गांव के लोगों के पास अगर का बर्बादी होगा कि नहीं होगा, यही प्रश्न है। इसीलिए यह न्यूज़ तो बहुत छोटा है, लेकिन हमारा दिखाने का मतलब ही यही था कि अंचल कार्यालय के सामने अगर इस तरीके का पानी वेस्ट होता है, तो दूर दराज के जो गांव इलाके हैं, जहां लोग रहते हैं, जहां की आम गाड़ियां नहीं पहुंच सकती हैं, वहां नल जल योजना का क्या हालात होगा, वो हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं। फिलहाल देखिए, हम थोड़ा सा बंद करने का कोशिश किए हैं, लेकिन हम तो इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो मेरा क्षमता नहीं है। इसमें टूटी लगवाने का भरसक अगर होगा ना, तो हम आज जरूर टूटी खरीद के अपने से लगाएंगे।